अरे कोई का सोचे हमें क्या सोचे सभी बन जाए ना फजल तू बहा के पावन चले तरस कर भी कोई शक्ति है मन का विश्वास चलिए भाई। तो रेगुलर इतने आते हो तुम अब है एक दिन छोड़ के 9 दिन छोड़ दे क्लास 9 दिन छोड़ गई तुम्हारी और बाकी रिजल्ट इतने ही आते हो अब। चलो बढ़िया है बस बढ़िया होना चाहिए जहां भी हो। चलिए तो लास्ट टाइम हमने थर्मो टू स्टार्ट किया था और उसका एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। थर्ड लो पढ़ेंगे उसके पहले कुछ सॉलिड्स के लिए और बाकी है। एक क्वेश्चन आपको करवाया था फ्री एक्सपेंशन तक का है ना। तो थर्मो 1 हमने पढ़ा, थर्मो 2 की स्टार्टिंग में ये देखा कि अभी भी हीट का कन्वर्जन 100% वर्क में नहीं हो सकता। उसके लिए हमने एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला पढ़ा, ईटा इक्वल टू 1 माइनस, या बेसिक फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब याद है, और ईटा इक्वल टू क्या था, 1 माइनस क्यू एच अपॉन क्यू सी की क्यू सी अपॉन क्यू एच, क्यू सी अपॉन क्यू एच, और 1 माइनस TC अपॉन TH ये किसके लिए है, कार्नोट के लिए। भाई पढ़ो भाई ऐसा क्या कर रहे हो। हमने देखा इटा इक्वल टू क्या है था, 1 माइनस 2C अपॉन QH ये सबके लिए वैलिड है। फिर हमने देखा था इटा है मैक्सिमम वो किसके लिए होगा, रिवर्सिबल केस में हो जाएगा 1 माइनस का TC अपॉन TH। तो जो 1 माइनस QC अपॉन QH इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH तो ये वैलिड होगी चीज किसके लिए, रिवर्सिबल के केस के लिए। रिवर्सिबल एक केस पढ़ा था हमने कार्नोट इंजन का, तो कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल केस था पूरा का पूरा, तो उसके लिए बात वैलिड थी। फिर तो हमने देखा अगर 1 माइनस QC अपॉन QH कम रह जाए 1 माइनस TC अपॉन TH से ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। और अगर यही वैल्यू कम रह जाए सॉरी ज्यादा हो जाए 1 माइनस TC अपॉन TH से ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस याद है। ये 3 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे। इसके बाद में फिर हमने देखा था सेकेंड लॉ, हमने ये देखा था कि एंट्रोपी या किसी भी फंक्शन की आपकी स्पॉन्टेनिटी का पता करना है अगर, तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा कब नहीं होगा। हमने एक इक्वेशन देखी थी और उसमें फॉर्मूला देखा था डेल्टा इज यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, तो ये प्रोसेस कैसे हो जाते हैं, इरिवर्सिबल याद है। डेल्टा इज यूनिवर्स क्या होगा, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होंगे या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे। फिर देखा था सेकेंड डेल्टा इज यूनिवर्स इक्वल टू 0, ये प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल। किस पर होगा ये, इक्विलिब्रियम पे। फिर नेक्स्ट देखा था डेल्टा इज यूनिवर्स इज लेस देन 0, उस केस में प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल।
मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तीन कंडीशन आपने देखी थी, डेल्टा एस यूनिवर्स के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी होगी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की। डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है, तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, सराउंडिंग के केस में सारे प्रोसेस कैसे हो जाते हैं, रिवर्सिबल। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेग्लिजिबल है। अब वहां पर टेम्परेचर जो है वो कैसे लेके चलते हैं, कांस्टेंट। तो डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला आपने निकाला था, वो आया था माइनस का क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, याद है। फिर हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा एस, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला हमने निकाला था, वो आया था क्या, एन आर एल एन, बोलो टी टू अपॉन टी वन की एन सी एवल टी टू अपॉन टी वन। मैंने आगे की बात आगे लिख दी तो तुम बोलिए क्या आएगा यहाँ पर, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। एक फॉर्मूला और था, एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2। प्रोसेस अगर आइसोथर्मल हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, केवल फॉर्मूला ये दोनों बचेंगे। अगर प्रोसेस आइसोबारिक हुआ तो हम इसको अप्लाई करेंगे, उसमें ये तीनों चले जाएंगे, केवल ये बचेगा। अगर फॉर्मूला हमें आइसोकोरिक के लिए लगाना है तो ये सब चले जाएंगे, क्या बचेगा, केवल ये इतना सा, ठीक है। इसी केस में हमने ये चीज देखा था, ये किसके लिए वैलिड है, ये सभी के लिए वैलिड है, ये सभी के लिए वैलिड है एक्सेप्ट सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, फेज ट्रांजिशन के लिए, है ना, या रिएक्शन के लिए। इसके लिए वैलिड नहीं है, बाकी ये सभी प्रोसेस के लिए वैलिड है इन केस ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद में आपने देखा था आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए कैलकुलेशंस, तो हमने देखा था कुछ कैलकुलेशंस हमने करी, इधर लिख दिया रिवर्सिबल, या हमने लिख दिया डेल्टा एस सिस्टम, इधर लिख दिया डेल्टा एस सराउंडिंग, इधर लिख दिया डेल्टा एस यूनिवर्स। सबसे पहला प्रोसेस हमने लिया आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ, है कोई है तो बोलो ना, तुम बोलोगे तो लिखवा क्या आएगी, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अभी तो खाना खा के आए हो, डेल्टा सराउंडिंग कैसा होगा, माइनस डेल्टा एस, डेल्टा यूनिवर्स कैसा होगा, जीरो। रिवर्सिबल की बात करेंगे, आइसोथर्मल क्या आएगा, लिखवाओ बोलो, क्या आएगा, सेम ही आएगा एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, या इसी को बोल सकते हो एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू, यहां भी लग जाएगा। इधर यहां आएगा माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन पी सराउंडिंग, इधर ग्रेटर देन जीरो, क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट हमने देखा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, क्या आएगा, जीरो, इधर जीरो, इधर
जीरो, फिर नेक्स्ट देखा इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, क्या आएगा बोलो? अरे यहाँ क्या आएगा, क्या फॉर्मूला लगाएं? एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन लगेगा ना। इधर क्या होगा, जीरो, इधर ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं? ये प्रोसेस कैसे प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक वाले, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे होते हैं? आइसो पढ़ नहीं रहे हो तुम बिल्कुल भी, आइसो एंट्रोपिक, दो तीन आवाजें आती बाकी सब चुपचाप, कैसे होते हैं आइसो एंट्रोपिक? भाई पढ़ो ऐसे मत करो, है ना, बराबर आवाज आनी चाहिए। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, इसमें एंट्रोपी कैसी होती है सेम, ठीक है। इतना कुछ हम पढ़ चुके थे, इसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने आपको, अब फॉर्मूला वॉर्मूला ध्यान रहेगा, ठीक है, और इतना कुछ हमने पहले पढ़ा था। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी कैलकुलेशन, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एक बेसिक फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा है वो होता है क्या, डीएस इक्वल टू, बताओ, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये होता है ना, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब इसके लिए जब हम डी क्यू रिवर्सिबल की बात करेंगे तो सॉलिड लिक्विड के लिए हम क्या लगा सकते हैं, उसका फॉर्मूला सी डी टी, या क्या लगा सकते हैं एन सी मोलर डी टी, ये क्या लगा सकते हो बोलो, एम एस डी टी। अब ये फॉर्मूले क्यू के नहीं आए थे, ये फॉर्मूले थे सी के, सी से हमने डी क्यू का एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करी, ठीक है। तो एक है सी डी टी, एक है सी मोलर डी टी, एक क्या है भाई एम एस डी टी। अब सबको अलग अलग भी देखोगे आप तो सी क्या था यहां पर, ये था हीट कैपेसिटी, ये क्या था हीट कैपेसिटी ओनली, यूनिट क्या थी जूल पर केल्विन, इधर सी मोलर ये था मोलर हीट कैपेसिटी। कैसे पहचानोगे यूनिट से, जूल पर मोल केल्विन, इधर जो एस है ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका क्या होगा जूल पर ग्राम इंटू केल्विन, ये थे ना। तो इन तीन फॉर्मूलों को हम यहां पर पुट कर देते हैं और निकाल देते हैं, डीएस को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डीएस को इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी एन सी मोलर डी टी को काम में ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, डिराइव कर देते हैं टी वन से टी टू तक, इधर क्या हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू एन सी मोलर वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन टी ln t2 upon t1, तो डेल्टा एस फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड क्या आ गया nc मोलर ln t2 upon t1, सिंपल, ठीक है। अब यही अगर आप सराउंडिंग के लिए निकालोगे तो टी सराउंडिंग बाहर आ जाएगा और ऊपर एन सी मोलर डेल्टा टी है तो सीधा वो क्या जाएगा एन सी मोलर डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन मिलेगा नहीं कैलकुलेशन,
इसे मैं लिखाऊंगा अभी। एक क्वेश्चन करेंगे अब। ये भी चाहो तो लिख लेना एक जगह पे, उसके पहले लिख लेना, लेकिन तब ठीक लगेगा। ठीक सारे डिस्कस किए थे अपन, हम लेट करी। किस किस में डाउट आ रहा है? डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन, एच इज स्टेट फंक्शन, याद है? डेल्टा टी टी इनिशियल पे डिपेंड करेगा, जबकि स्टेट फंक्शन इनिशियल पे डिपेंड, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। हम लिखा था ना, टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन, डेल्टा टी इज नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? जो सिर्फ फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ फंक्शन इनिशियल फाइनल और वर्क पाथ पे भी। तो ये इनिशियल पर डिपेंड करेगा डेल्टा एच। डेफिनेशन देखना आप स्टेट की, तो लिखा है सीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर परफेक्ट आइडल गैस। ऐसा किसने कहा? सीपी डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के लिए, अगर स्पेसिफाई नहीं है तो हम मानते हैं क्या, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना, हमेशा डिपेंड करता है। और कौन सा था? सेवन, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस। If neither heat nor matter can enter or leave, heat work, heat की जगह पे याद है आपको isolator में लिखवाया था, no transfer of heat नहीं, energy and matter, energy के अंदर work भी आता है, heat भी आती है ना। अब work transfer हो गया तो है ना, वर्क कैसे ट्रांसफर होगा? आपने किसी पे वर्क किया
और वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। हीट के साथ अकेला हीट नहीं होता, वर्क भी, हीट अगर होगा तो एडियाबेटिक। बस चलिए आगे, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर आप ये सिस्टम, अच्छा यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं, किसका है? सिस्टम का। अगर सराउंडिंग का होता तो कैसे करते, बोलो तो कर दोगे? माइनस का क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। अच्छा टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर ले लेंगे। इसकी वैल्यू क्या थी अभी, एनसी मोलर डीटी, इसको इंटीग्रेट करना है अब। और डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का एनसी मोलर डेल्टा टी अपॉन टी, जो भी होगा टी सराउंडिंग, दे रखा हो तो ठीक, नहीं दे रखा हो तो फाइनल ले लेना। बोलो बोलो, अब एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो 32 ग्राम O2 इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन। 32 ग्राम O2 इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 bar। At constant pressure of 1 bar, full stop, find delta S for this amount of O2. Find delta S for this amount of O2, bracket mein, in joule per Kelvin. आपको दे रखा है, आपको गिवन है सीपी मोलर की वैल्यू। सीपी मोलर गिवन है क्या, 10 की पावर -2 इंटू टी। और आपको यूज करना है Ln2 = 0.7। टेन प्लस 10 की पावर -2 इंटू टी, जूल पर केल्विन में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है डेल्टा एस। टेन टेन आंसर आएगा। टेन जूल पर केल्विन। देखो अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए आप जानते हैं सीपी मोलर ये किसके इक्वल हो जाता है, सीवी मोलर ये किसके इक्वल होता है, सी मोलर, याद है? ये चीज तो यहां भी वैलिड है ना। हीट कैपेसिटीज जो होती है तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ध्यान दे रहे तो चाहो तो फॉर्मूले में लिख लेना जो आपने लिखा था।
तो इसमें करना है हमें डेल्टा एस की कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इंटीग्रेट करना है, डी क्यू की वैल्यू पुट करी तुमने, एन सी मोलर डी टी। अब सीपी दे रखा है तो सीपी लिख के कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसकी वैल्यू पुट करी तुमने तो ये एन इंटू सीपी मोलर की वैल्यू, एन निकालोगे तो एन कितना आ रहा है भाई यहाँ पर, तो 32 ग्राम है तो कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल। तो ये हो गया 1 मोल इंटू सीपी की वैल्यू, सीपी दे रखी है 10 प्लस 10 की पावर -2 अपॉन टी, तो दोनों में डिवाइड बाय टी कर दिया मैंने। इनको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक करना है भाई, 300 से लेके 600 तक, है कि नहीं। ये तो कैंसिल हो गया, इधर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ln t, होगा नहीं होगा, 10 आगे आ जाएगा, ये इंटू ln t, यहाँ लिमिट रख दीजिए 300 से लेके 600 +10 की पावर -2 इंटू, केवल इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन। सॉल्व करोगे तो ये 10 इंटू ln t2 अपॉन t1, ये हो गया ln 2 +10 की पावर -2 × 600 - 300, कितना आ गया 300, तो हो गया 10 इंटू ln 2 प्लस, ये हो जाएगा कितना 3, तो 7 प्लस 3 आंसर कितना आ गया 10 जूल पर केल्विन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने क्या लिखवाया उसमें, तो कांस्टेंट प्रेशर 1 बार पे क्या कर रहे हैं अपन, O2 को बढ़ा रहे हैं ना, बोलो बोलो। तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी आप कराने की कोशिश करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो जा करके वहां पर, कहां पर, डेल्टा एस में। अब वहां पर हमने सीपी या सीवी को क्या लिया था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिया था ना, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो ये बेसिक फॉर्मूला तो याद रखना ही है हमें हमेशा, और ये फॉर्मूला गैसेस के लिए भी वैलिड है ये चीजें। हाँ, क्वेश्चन मैंने आपको अलग वाला दिया है, यू कह रहे हो ना, नहीं ये थोड़ी ना है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, डीएस का डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी, सिर्फ वही लगाया, क्यों लगाया ये, अच्छा मैंने सॉलिड नहीं आता और ये बोल रहा था मैं। हाँ थोड़ा इसको, तो अगर वो तो क्या है, गैस है ना, वो सिर्फ क्या है, गैस, तो यहां पर जब डी क्यू रिवर्सिबल निकालोगे तो काम किस पे हो रहा है, कॉन्स्टेंट 1 बार प्रेशर पे हो रहा है, कॉन्स्टेंट 1 बार प्रेशर पे हो रहा है, तो क्यूपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एन सी पी डी टी के, डी क्यूपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एच, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी पी डी टी के। ठीक है, बोलो बोलो, वो मैं सॉलिड दिमाग में चल रहा था मेरे भी, ये क्या है, गैस है, गैस है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है वो इक्वल टू होता है क्यूपी के, और क्यूपी किसके इक्वल आता है, डेल्टा एच के, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी पी मोलर डी टी, ऐसे उसी को हमने यहाँ पुट कर दिया, और वैल्यू हमें सीपी की टेम्परेचर डिपेंडेंट दी हुई है, उसको इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल, समझ आई बात, बोलो। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, अब तुम्हें सॉलिड लिक्विड का भी लिखा देते हैं। भाई हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि डेल्टा इज इक्वल टू एन आर एल एन टी टू अपॉन टी वन, या एन सी वी एल एन एन आर एल एन टी टू अपॉन वन, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, ये कहाँ पर लगाना है हमें, जब हीट कैपेसिटी कैसी हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कर देगा तो उस केस में हमें जो बेसिक फॉर्मूला है उसी को लगाना है कि नहीं। और आपको अगर वो फॉर्मूला याद भी नहीं रहे तो भी इस फॉर्मूले से आप कहीं पर भी जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो, बस थर्मो वन पे कमांड होनी चाहिए फटाफट से, आपको हीट एक्सचेंज दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा इस प्रोसेस में क्या होगा, DU - DW करके उसको वैल्यू पुट कर इंटीग्रेट कर दो, समझ रहे हो, है ना।
तो ये ध्यान रखना है कभी भी कि सी हीट कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंड कर सकती है। एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन इसका आएगा आगे चल के, ये किसी का एक पार्ट बनेगा। जब हम फेज ट्रांजिशन कराएंगे तब इसका फॉर्मूला मतलब इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखो, छोड़ो उसको, इसका क्वेश्चन आगे कराऊंगा, पहले कुछ पढ़ाना पड़ेगा। लिखो एंट्रोपी चेंज, फिर लेंगे इसका एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। ठीक है, देखो इसके अंदर रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन एक टर्म आया है, ये क्या होता है पहले इसको देख लो फिर नोट करना। इसको लिखवाएंगे रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, रिवर्सिबल का मतलब ये काम कैसा होगा भाई, रिवर्सिबल वैसे भी आप जानते हो जब भी कोई भी फेज का कन्वर्जन होता है किसी लिक्विड में तो ये कैसा होता है, रिवर्सिबल। ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, तो ये प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल। इस केस में चीजें जो होती है किसके ऊपर होती है, इक्विलिब्रियम पे, याद है। बोलो अब इसको बोलते कैसे हम, इसको हम क्यों बोल देते हैं रिवर्सिबल, या इसको हम क्यों बोल देते हैं रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। तो जो भी फेज ट्रांजिशन हमारे, जो भी फेज ट्रांजिशन अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, जो भी फेज ट्रांजिशन कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं तो सभी फेज ट्रांजिशंस कैसे जाते हैं, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। क्या मतलब, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है H2O, इधर लिखा हुआ है लिक्विड, उधर लिखा हुआ है 1 bar प्रेशर, उधर लिखा हुआ है 300 केल्विन टेम्परेचर, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O में, वो भी लिक्विड, उसे आप किसमें कन्वर्ट कर दिए, चलो गैस में। इसका प्रेशर कितना हो गया 1 bar, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। नहीं चल रहा, टेम्परेचर मत जाना, देखो ये है लिक्विड, ये है 1 bar, ये टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। टेम्परेचर हमारे कैसे हैं कांस्टेंट, प्रेशर कितना है 1 bar, कन्वर्जन किस में हो रहा है गैस में, कितने पे 1 bar और 300 केल्विन पे। तो चेंज सिर्फ क्या हो रही है, फेज। टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हैं कांस्टेंट, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन तो है लेकिन वो कैसा है, रिवर्सिबल। मतलब कुछ और कहना चाहते हो सर, ये कैसा हो गया रिवर्सिबल। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है H2O, इधर लिखा हुआ है लिक्विड, इधर लिखा हुआ है 0.5 bar, इधर लिखा हुआ है 300 केल्विन, और ये कन्वर्ट हो गया H2O, ये किसमें है गैस में, इधर लिखा हुआ है 1 bar, इधर लिखा हुआ है 300 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो कैसा हो गया, डिफरेंट, तो प्रेशर डिफरेंट हो गया, तो फिर ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल। बस तो रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन का डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसे प्रोसेस जो किस पे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आप प्रेशर चेंज कर दोगे या टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वही केसेस हमारे कैसे हो जाएंगे, रिवर्सिबल। किसमें, फेज ट्रांजिशन की ही बात है, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। लेकिन अगर प्रेशर भी चेंज कर दिया तो ये चीज एक साथ नहीं होती कभी भी, पहले कभी भी जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होगा तो पहले चीजें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी किसी कांस्टेंट प्रेशर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसके बाद में फिर वो अपना प्रेशर चेंज करेगा, स्टेट चेंज करने की बात। क्योंकि जब भी ये काम हो रहा होता है तो उस केस पे टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, उसको बोलेंगे इस केस के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर,
जब बॉइलिंग हो रही होती है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट हो। भाई आपने बॉइलिंग भी पढ़ लिया, बॉइलिंग मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं धीरे 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 वेपर्स का वेपर प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर तक। राधे बोलो, तो जब भी हमारे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो चीजें क्या होने जाती है, बॉयल होने। अब जब तक वो पूरा बॉयल कन्वर्जन या पूरा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर और प्रेशर वही मेंटेन रहेगा। प्रेशर कहाँ जाके अटक जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होकर के रुक जाएगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो किस पे जाके रुक जाएगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर जो भी बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उसका, उसके समझो। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करोगे तो हमने देखा था फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन, याद है। फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशन में हमने यही देखा था कि वहां पर वेपर प्रेशर जो भी होना होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल। उस केस में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के फेज ट्रांजिशन स्टार्ट हो और टेम्परेचर फिर से वहां पर क्या रह जाएगा, कॉन्स्टेंट, वो किसके इक्वल होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे सब्लिमेशन में भी होगा। तो सभी फेज ट्रांजिशन जो होते हैं वो किसी नॉर्मल किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट और कांस्टेंट प्रेशर पे होते, ठीक है। अगर वो आप ऐसे बोल दोगे, प्रेशर चेंज कर दोगे बीच में, तो कैसा हो जाएगा वो, इरिवर्सिबल, ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेशन पार्ट कैसा होता है उस पर भी चेक करते हैं। बाकी इतना समझ आया। अब देखो इस केस को हम इसमें फॉर्मूला अगर डिराइव करें, फॉर्मूला बड़ा इजी है, देखना आप देख लो पहले फिर लिख लेना। अब आप जो प्रोसेस कराओगे रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन में किस पे कराओगे, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉर्मूला तो एक ही होता है, डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डी क्यू रिवर्सिबल क्यों लेते हैं, रिवर्सिबल क्यों लेते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल के केस में ही इसका ओवरऑल सम कितना आया था, जीरो। इसलिए हमने बोला था कि एंट्रोपी एक नया फंक्शन डिराइव हो रहा है, कैसा है, स्टेट फंक्शन, है ना। तो अब डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी में हम बात करें किसकी, डी क्यू रिवर्सिबल की। अच्छा कांस्टेंट टेम्परेचर है तो टी कहाँ आ जाएगा, बाहर इंटीग्रेशन के। बोल बोलो, तो रिवर्सिबल में टेम्परेचर कैसे होता है, कांस्टेंट। रिवर्सिबल के केस में टेम्परेचर को हम अंदर लेके चलते हैं क्योंकि वो रेगुलर क्या करते हैं, वेरी करते हैं। सेम जैसे कि एक्सटर्नल प्रेशर होता था और एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर होता था रिवर्सिबल रिवर्सिबल वर्क डन के केसेस में थर्मोवन में। डी क्यू रिवर्सिबल की बात करोगे तो डी क्यू की वैल्यू ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद, क्यूपी के, होगी नहीं होगी, बोलो। और ये क्यूपी की वैल्यू आगे चल के किसके इक्वल हो जाएगी बताओ, डीएच के। भाई कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंजर्स किसके इक्वल होते हैं, डीएच के। और ये डीएच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी फिर, एन सी पी मोलर डीटी के, होगी नहीं होगी, हो जाएगी। अब सॉलिड लिक्विड्स के लिए सीपी मोलर सीपी मोलर सी मोलर क्या होते हैं, सेम। गैस के लिए डिफरेंट होते हैं, जब गैस पे जाओगे तो सीपी सीपी में डिफरेंशिएट करना आपको आता है ना, दिनों की कैलकुलेशंस करनी आती है, ठीक है। ओवरऑल हम तो देख रहे हैं डीएच के लिए क्या आ गई, एन सीपी मोलर डीटी। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ले आके लाके पुट कर देंगे तो यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी, एन सीपी डेल्टा टी अपॉन टी। बोलो पड़ेगी ना। अब उसके पहले देखो आप, अब यहाँ पर आप क्या करा रहे हो, फेज ट्रांजिशन, है ना। अब फेज ट्रांजिशन में हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, तो डीटी की वैल्यू कैसी आएगी, जीरो आएगी, नहीं आएगी। तो फिर डेल्टा एच कैसा होगा, जीरो होगा ना, नहीं होगा। तो फिर डेल्टा एच कैसा होगा, जीरो। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो क्या हीट एक्सचेंज जीरो होते हैं, बोलो बोलो, नहीं होते ना, होते हैं क्या। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब गैस कौन सी हो, आइडियल गैस लगाते हो तो फ्लो में लिखवाए जा रहे हो बस, क्योंकि आप मुख्य ये रहता है डीएच इक्वल टू क्या होता है, एनसीपीडीटी। लेकिन वो होता किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। अब यहाँ फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या सारी गैसेस हो गया, वो भी आइडल हो गया, बोल बोलो। तो फिर एच किस किस पे डिपेंड कर सकता है, एंथैल्पी किस किस का टर्म होता है, पी या वी का, वी या टी का, या पी या टी का, याद है। तो ये साथ साथ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे होंगे, है
है ना। तो आपको याद हो तो जब हम कन्वर्जन कराते हैं किसी का भी लिक्विड से गैस में या सॉलिड से लिक्विड में, जैसे अगर आप चेंजेस अभी कुछ लिखना पड़ता, सबसे पहला आप कन्वर्जन कराओगे किसका, सॉलिड से लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड के केस में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो। एक नहीं पढ़ा तुमने डेल्टा एच फ्यूजन, पढ़ा है ना? वो वैल्यू तुम्हें नहीं पता, वो दी हुई होती है, वो वैल्यू तुम निकाल नहीं सकते, वो दे रखी होगी। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो कौन सी होती है, लेटेंट हीट। पढ़िए लेटेंट हीट, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने में या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने में काम आती है। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर देती है फिर भी हीट दी जाती है। भाई जब तुम गैस स्टोव ऑन करके और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो या गैस बंद कर दो तो बोलो तो भी अरे बोलेगा तो अपने आप हो जाएगा, ऐसा ना होता है, फिर भी हीट देनी पड़ती है ना लगातार। तो वो किस में जाती है, इसमें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन बोलते हैं। बोल बोलो। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट था, प्रेशर भी कैसा है, कॉन्स्टेंट। प्रेशर कॉन्स्टेंट है इसलिए एंथैल्पी चेंज को हमने क्या बोला, डेल्टा एच। अब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच फ्यूजन। तो डेल्टा एस के केस में जब आप इंटीग्रेट करोगे या जो भी करोगे तो यहाँ पर डी क्यू रिवर्सिबल को इंटीग्रेट जब करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, क्यूपी के। और ये क्यूपी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच के। अब ये डेल्टा एच जैसा होगा वैसा लेना पड़ेगा। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वही फॉर्मूला यहाँ पर मिल करके क्या बन जाएगा, देखो ये जो काम होगा तो यहाँ पर जो टेम्परेचर काम में आएगा, टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा, बोलो, डेल्टा एच। टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट, ये होगा। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा इस कन्वर्जन के लिए, वो बनेगा डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एफ। समझाया? बोल बोलो। अब यही काम अगर आप लिक्विड से वेपर बनाओगे, अगर लिक्विड से गैस बनाओगे तो इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू, बताओ, डेल्टा एच वेपराइजेशन डर के रहे हो, बताओ ना, अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट। होगा नहीं होगा, इसमें किसी को डाउट? टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था। इंटीग्रेट करने पे क्या नेम क्या मिला हमें, क्यूपी। क्यूपी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हीट एक्सचेंज के, वो किसके इक्वल है, डेल्टा एच के। अब डेल्टा एच टेम्परेचर की वजह से तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ कन्वर्जन फेस कन्वर्जन की वजह से मिलेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और करवाओगे अगर तो क्या करा सकते हो आप, सॉलिड से गैस बना दो डायरेक्ट। यहाँ पर कन्वर्जन लिखा है में आएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच सबलिमेशन अपॉन टी सबलिमेशन टेम्परेचर। अब ये डेल्टा एच मैंने हर जगह पे लिखा है, इसका मतलब ये किसका है, सिस्टम का। सराउंडिंग लोगे तो यही आंसर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। बोलो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं, किसमें, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, है ना। तो रिवर्सिबल में क्या होता है उसको भी चेक करेंगे क्वेश्चन करके। पहले आप लिखो रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन का हेडिंग लिखो, और हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर सम्मान में एक लाइन लिखो, लिखो इट इज द फेज चेंज दैट अकर्स It is the phase change that occurs at constant pressure. It is the phase change that occurs at constant pressure and at constant temperature. ब्रैकेट में द टेम्परेचर इज द नॉर्मल फेज चेंज टेम्परेचर।
फिर आप ये एग्जाम्पल लिखिए दोनों, ये वाले। हाँ वही पेपर हुआ दिया था, कैसा हुआ? बढ़िया है नंबर उसमें यार, किसी के थे शायद EA1 AE1 से भी, है ना भाई, 50% से ऊपर। कौन था? थे किसी के 50% से ऊपर? नहीं देगा आदमी। बीस परसेंट से ऊपर किसके चल रहे हैं? पूरे में सब में मिला के बस तो लगे रहो, 20 से 30, 30 से 40 हो जाएंगे सब अपने आप धीरे धीरे, बस लगे रहो। कहने का मतलब ये, अब ये नहीं इसके माइनस चल रहे हैं, वो क्या करेगा? तो उसको तो पता ही है क्या करना है, माइनस क्यों, ये भी पता है क्यों नहीं है, है ना? वो भी माइनस में जो भी है, अगर वो भी लगा रहेगा है ना, या लगे रहेंगे तो वो अपने आप आगे इम्प्रूवमेंट होगा ही सही। बस हमें मोटिवेटेड रहना है ना। पॉइंट ये होता है, एंड तक मैदान में डटे रहो, है ना? और जो उधर गए उनमें किसी के मार्क्स और बढ़िया हुए, रिकॉर्डिंग की बहुत बढ़िया सुविधा होगी उन्हें। जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक नहीं पढ़ना, तो कितनी बढ़िया, मतलब ठीक है उसके लिए तो बढ़िया ही है। अगर नहीं होती रिकॉर्डिंग तो थोड़ा सा फिर या तो दिक्कत तो आती सही हल्की फुल्की। उधर नहीं है इसलिए तो ये एक टेकिंग फॉर ग्रांटेड हो जाता है ना कि शाम को देख ले। मैं तो इधर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इधर किसी को पढ़ना हो तो, वैसे एक सब्जेक्ट इधर पढ़ना हो, एक उधर पढ़ना हो। चलो जो भी है, तो आ गया, लिख दिया है सब यहां तक, 3 तक। तो फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करिए। अरे लिखिए, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज
व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन व्हेन व्हेन 3.6 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर. व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन व्हेन 3.6 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इन वेपर्स is completely converted in vapors at 373 Kelvin. What is the entropy change when 3.6 gram of liquid water is completely converted in vapors at 373 Kelvin and 1 atm 373 normal boiling point water ka jo hota hai 373 Kelvin and 1 atm given. डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल टू गिवन डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल टू 40.85 किलो जूल पर मोल 40.85 किलो जूल पर मोल. व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन ब्रैकेट बंद व्हेन 3.6 ग्राम of liquid water is completely converted in vapors at 373 Kelvin and 1 atm pressure given a delta H vaporization equal to minus 40.85 kilojoule per mole. हो गया 81. कुछ नहीं करना इसमें तो सिर्फ यूनिट्स का खेल है. यूनिट्स को ध्यान देना है और थोड़ा सा अमाउंट ध्यान देना है. ऑप्शन भी दे रखे हैं. दे ए ऑप्शन है 218.9, बी ऑप्शन है 2.189, सी है 0.89, डी है 0.189. सी आ गया पक्का. चलो बढ़िया है फिर तो सही है. तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या करोगे तुम डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी. क्यों कर रहे हो ये क्योंकि आपने देखा यहाँ पर H2O लिक्विड लिखा हुआ है 1 atm प्रेशर ये बोल रहा है और कार्यक्रम हो रहा है 373 केल्विन पे और कन्वर्जन हो रहा है गैस में 1 atm पर ही और टेम्परेचर दे रखा है ये. इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है. अगर ये रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है तो इस केस में आप सीधा एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशंस के लिए जाएंगे इसके ऊपर तो ये हो जाएगा. अब ये जो दे रखा है 40.85 किलो जूल पर मोल. अब हमारे पास एक मोल तो है नहीं सब्सटेंस तो वो कितना है 3.6 डिवाइड बाय 18 कितना हो गया 0.2 मोल. तो एक के लिए इतना तो 0.2 के लिए कितना इतना है ना. किसमें दे रखा है किलो जूल पर मोल में. हम सब पूछा आंसर किसमें जूल पर केल्विन में तो इनटू क्या कर देते हैं 1000 डिवाइड बाय 373 ये है क्या जाएगा 21.89 जूल पर केल्विन. ठीक है चलो
इस केस में एंट्रोपी कैलकुलेशंस करनी। कैसा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो पहले आप क्या करें, इस जगह से यहां तक आए, कहां तक? H2O लिक्विड से गैस में ले जाओ, किसके ऊपर? 1 bar पे, 373 केल्विन पे। तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल फेस ट्रांजिशन। इस केस में एंट्रोपी चेंज को हम बोल देते हैं डेल्टा S1, ठीक है ना? ऐसे करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अगर वो टेम्परेचर चेंज करता तो भी आप ऐसे ही चलेंगे, प्रेशर चेंज कर रहा है तो भी ऐसे ही चलेंगे। पहले हम उसको कन्वर्जन करेंगे फेस ट्रांजिशन का, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। मतलब जैसे पहले अगर हम कहीं पर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो कहीं पर आयनाइजेशन एनर्जी 3 of A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता डायरेक्ट तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पहले एक निकलेगा फिर दूसरा फिर तीसरा। तो टोटल एंथैल्पी चेंज लिखते थे I1 + I2 + I3। तो अब पहले यहां से यहां जाने के लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा, इसके बाद में फिर ये करेंगे। तो इस केस में आप देखोगे टेम्परेचर कैसा है, कॉन्स्टेंट, प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सब्सटेंस कौन है? गैस। तो एक सेम सब्सटेंस के लिए प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं, तो जाएगा क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और प्रेशर कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बोल बोलो, होगा होगा ना? अब आपको कर यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे आप क्या, डेल्टा एस टू, आपको डेल्टा एस निकालना था, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू। अब डेल्टा एस वन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो आप, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना है 373 प्लस डेल्टा एस सेकेंड के लिए जो जनरल फॉर्मूला आप जानते हो लगा दो, तो क्या लगाओगे, NCVLN। अब यहाँ पर प्रेशर का टर्म दिया हुआ है तो प्रेशर में चलते हैं, NCPLN T2 upon T1 प्लस NRLN P1 upon P2। अब ये तो टेम्परेचर सेम है तो ये तो क्या हो गया, जीरो। टेम्परेचर सेम है तो ये क्या हो गया, जीरो, बोल बोलो। और उसके बाद में इधर की तरफ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, दे रखा है क्या, अच्छा दिया हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी सराउंडिंग टी बॉइलिंग पॉइंट, कितना हो गया 373। इधर की तरफ वैल्यू पुट कर दो प्लस एन की वैल्यू कितनी आ रही है, देख रखा है कुछ भी नहीं देखा, तो सपोज 1 mole हो गई, ये कितना हो गया RLN P1 upon P2। P1 कितना है, कहां से कहां जा रहे हो, नीचे से ऊपर, तो ये कितना है 1 और ये कितना है 0.5। तो सॉल्व करोगे अगर आपको वैल्यू भी रखी होती तो बहुत बढ़िया, तो ये डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 373 प्लस RLN कितना जाएगा, ये 2 आएगा। जब भी ऐसे आपको फेस ट्रांजिशन भी कर रहा हो और कुछ चेंजेस कर रखे हो तो आप जैसे हम बोर्न एबल साइकिल में चलते थे या हेसेस लॉ में कुछ करते थे वैसा कुछ यहाँ पर भी होगा, ठीक है? तो डेल्टा एस इसका ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि ये और ये दोनों एक स्टेट है, एक ए से हम कहा जा रहे हैं बी पे, यहाँ कुछ पैरामीटर डिफाइंड है, तो उसको जाने का रास्ता ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन डायरेक्ट में आप देखोगे तो कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये वाले प्रोसेस वहां। तो डेल्टा एस इक्वल टू होगा डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, ठीक है? ये क्वेश्चन भी था शायद थर्मो वन में, उसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, बस वहां पर हमें एंथैल्पी चेंज निकालने थे,
नेट चेंज निकालना था, तो वहां डेल्टा यू डेल्टा एच निकालते हुए चले थे हम, अभी वापस ले लेंगे उसको है। थर्मोकेमिस्ट्री में था क्या? चलो हो गया। चलो एक और लिखें, तो ये चीज का क्वेश्चन है। चलो लिख दो, लिखो। कोई बैठता है क्या? अरे यार, अभी 2 बजे से लेके 7 बजे तक खड़ा होना है। लिखो, फॉर अ लिक्विड। अब बैठ जाते हैं तो क्या दिक्कत है, तुम भी तो बैठे ही हो। फॉर अ लिक्विड डेल्टा एस वेपराइजेशन दिया हुआ है 40 कैलोरी, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज दे रखा है, डेल्टा एस किसका वेपराइजेशन का, क्या दे रखा है 40 कैलोरी पर मोल केल्विन, 40 40, और डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन वो भी दे रखा है 30, लेकिन वो दे रखा है किलो कैलोरी पर मोल केल्विन, सॉरी ओनली पर मोल। डेल्टा एच दे रखा है 30 किलो कैलोरी पर मोल। आपसे पूछा गया है बताइए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अप टू क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड पप्पू क्वेश्चन। आया? आंसर्स भी दे रखे हैं आपको ABCD। एक दे रखा है 750 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दे रखा है 577 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दे रखा है 477 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दे रखा है 699 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर्स डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखे हैं भाई। कितना डिग्री सेंटीग्रेड और 750 केल्विन। आ गया? ठीक है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है बस। डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट। टी बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, बाकी दोनों पता है, दोनों को रख दो, एक को किलो को कन्वर्ट कर लो कैलोरी में और एक कैलोरी में है, ऐसे ही दोनों को उड़ा दो, आ जाएगा कितना 750 केल्विन, डिग्री में कन्वर्ट कर लो वो आ जाएगा 477। इसलिए ये ऑप्शन सबसे पहले दे रखा है 750 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चा देखे 750 बिना केल्विन देखे और आंसर लगाए क्या ए। ठीक है, तो यूनिट्स का ध्यान रखना है, बिना यूनिट्स के कुछ नहीं है। ठीक है ना, यूनिट्स का ध्यान रखोगे तो वो आपका ध्यान रखेगी, नहीं रखोगे तो वो आपका ध्यान नहीं रखेगी। गिव एंड टेक की पॉलिसिटी है, पॉलिसी है, पॉलिसिटी क्या हो गया ना। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा था कितना 40, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट, टी को उधर ले जाओ, ये हो गया ऐसे करके 30 के रिस्पेक्ट में 30,000, ये 40, ये आ जाएगा 750 केल्विन, आंसर आ जाएगा 477 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक ग्राफ देखते हैं, एक क्वेश्चन करके लिखिए। प्लॉट अ क्वालिटेटिव ग्राफ, प्लॉट अ क्वालिटेटिव ग्राफ फॉर, क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव करो, प्लॉट अ क्वांटिटेटिव ग्राफ फॉर अ
फॉर अ सॉलिड, फॉर अ सॉलिड विच इज हीटिंग टू कन्वर्ट इट इंटू लिक्विड, टू कन्वर्ट इट इंटू लिक्विड देन फॉर लिक्विड विच इज हीटिंग टू कन्वर्ट इट इंटू गैस. Then for a liquid which is heating to convert it into gas. कुल मिला के ये है शॉर्ट बात कि हम हीटिंग कर रहे हैं सॉलिड की, सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, गैस में. उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, लिखो टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के बीच करना है, एस वर्सेस टी, मोलर एंट्रोपी वर्सेस टी. ये एस मतलब एस एम मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर एंट्रोपी. अभी हम पढ़ेंगे थर्ड लो, इसके बाद जस्ट इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे. तो थर्ड लो में आप ये बात सीखेंगे. चलो छोड़ो अभी मत बोलो, कोई पूछेगा तो बताएंगे. अब देखो इधर मोलर अभी बताएंगे, रुको पहले इसका फील ले लेते हैं. मोलर एंट्रोपी और टेम्परेचर. अब होगा क्या, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप कर रहे हो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन. तो सॉलिड से चीजें किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में. तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी. बोलो बोलो. तो हम किसी जीरो केल्विन पे खड़े हुए हैं यहाँ पर, यहाँ तो सॉलिड को लेके कहाँ बैठे हुए हैं, जीरो केल्विन पे. हमने ग्राफ स्टार्ट किया कहीं यहां से, कर सकता हूँ. बोलो बोलो. अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या जीरो से जस्ट एक भी बढ़ेगा, जिसमें कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा क्या, किसी ना किसी टेम्परेचर पे होगा, वो सब सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा. तो पहले तो क्या होगा, जब सॉलिड में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, एंट्रोपी चेंज का. सब्सटेंस क्या है, सॉलिड. सब्सटेंस क्या है, सॉलिड. सॉलिड के एंट्रोपी चेंज क्या होता है, अभी पढ़ा था, देख के बोलो. गलत बोल रहे हो, देख के बोलो. NC molar ln T2 upon T1 था ना. तो हम इस पे क्या कराएंगे, NC molar ln T2 upon T1 लगाएंगे और एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे, कहां यही कहीं पर पहुंच जाएंगे. अब सपोज लेट सपोज ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, जो भी है मेल्टिंग पॉइंट फ्यूजन पॉइंट आ गया. तो इस केस में अब जब तक फेज ट्रांजिशन होगा तब तक टेम्परेचर कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. और एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी. बोलो बोलो. और बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, पढ़ा था ना अभी, ठीक है. ये अब आपको आनी चाहिए चीजें, यहां से यहां पहुंच जाओगे आप कुछ. यहां तक तो पार्ट क्या था, सॉलिड यहां से यहां पर कन्वर्जन हुआ, फिर हम यहां पहुंच गए. अब ये सब्सटेंस क्या बन चुका है, लिक्विड. अब लिक्विड के लिए फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला क्या लगाओगे, एनसी मोलर एलएन है ना T2 अपॉन T1 ये लगाओगे तो फिर एंट्रोपी चेंज देखोगे तो फिर से एंट्रोपी बढ़ेगी, फिर आप यहां कहीं पहुंच जाओगे, पहुंचोगे. फिर इसके बाद में और चले आगे, अब इस केस में सपोज आपको क्या मिल गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर एंट्रोपी अब फिर से बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो वो कुछ कैसे दिखाई देगा, ऐसे है?
ये ठीक है। अब चीजें किसमें कन्वर्ट हो गई, गैस में, फिर से फॉर्मूला लगाओगे, अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा एस इक्वल टू गैस के लिए वो बड़ा सा फॉर्मूला आप बोलो, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन बी वन, तो सब आ गए यहां पर। अब इसके बाद में फिर से आप चेंजेस देखोगे तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा ठीक है। तो अब आप अलग अलग पार्ट देखोगे, इसको हम नंबर दे देते हैं, ये रहा वन, ये रहा टू ठीक है, ये थ्री, ये फोर, और ये क्या हो गया फाइव, तो ये क्या हो गया सिक्स, सिक्स तक चले गए हम है ना। अब इसके पहले एक और ग्राफ तुम्हें दिखाते हैं, किसी भी एक, ये मैंने शायद तुम्हें बीच में बताया भी था हल्का फुल्का, ये जो बना रहा हूं, किसी भी सिस्टम के लिए या सब्सटेंस के लिए हम एंट्रोपी चेंज देखते हैं तो वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ते 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 एक पॉइंट आएगा, उसके बाद में कैसे हो जाएगी भाई, कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ते 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 आगे क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट। अब इस केस में हम देखेंगे तो मैक्सिमम कितना आगे बढ़ सकती है वो, भाई आपने एफिशिएंसी पढ़ी थी ना। देखो जब एंट्रोपी आप बढ़ाते जाओगे तो बढ़ते 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 एंट्रोपी कहां तक जाएगी, भाई हम ये बात कर रहे हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। चलो इसको अभी बुलाते हैं, रुको पहले तुम्हें थर्ड लो पढ़ाएंगे फिर दिखाएंगे इसको, छोड़ो इसको तो दिक्कत करेगा, इधर समझो आपको, सिंपल सी बात है। सॉलिड में आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एंट्रोपी बढ़ के कहां पहुंच गई हम, टू पे, उसके बाद में वो कॉन्स्टेंट हो गया, टेम्परेचर एंट्रोपी क्या है, थ्री बढ़ती रही, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये है कर्व किसके लिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के लिए ठीक है। इसको नोट करो और इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको भी लिखते जाना, तुम चाहो तो एक जगह पे ब्रीफ करें सारा, सब ले यहीं पर लिखते सारे, बोलो लिखे क्या है, तो हम लिख देते हैं फिर यहां पर आप बोल रहे हो तो वन से टू टेम्परेचर मेंशन करता हुआ चलूंगा मैं, इस टेम्परेचर को बोल देता हूं मैं टी टू, और इधर इस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं टी फोर ठीक है ना, इधर ऊपर कहीं जाओगे उसको बोल देंगे टी सिक्स जो भी है देखो भाई वन से टू जाओगे तो चीजें कौन सी है भाई, ये सिर्फ सॉलिड है, इसमें सिर्फ क्या ही है सॉलिड, तो सॉलिड के लिए एंट्रोपी चेंज हो जाएगा एन सी पी या एन सी मोलर एल एन टी टू अपॉन टी वन, ये टी टू टी वन चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ये टेम्परेचर मेंशन जो कर रखे वन टू थ्री फोर वैसे ठीक है ना। फिर आप चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस आएगा हमारे पास में टू से थ्री का, टू से थ्री के अंदर क्या हो रहा है भाई, टू से थ्री के अंदर हो रहा है कन्वर्जन, टू से थ्री के अंदर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ये केस है रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन का। इस केस में जो एंट्रोपी चेंज होता है ये आ जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी ठीक है, ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं एक जगह पर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा थ्री से फोर का, यहां पर सिर्फ क्या है ये लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए एंट्रोपी चेंज आ जाएगा एन सी मोलर एल एन, अब क्या लिखे हैं टी फोर अपॉन टी थ्री। फिर आ जाएगा नेक्स्ट फोर से फाइव, फिर ये है रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, क्या हो रहा है यहां पर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, तो डेल्टा एस की वैल्यू या जाएगा डेल्टा एच
वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट, फिर आ जाएगा 5 to 6। तो ये सिर्फ क्या है, गैस। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, मतलब टी सिक्स अपॉन टी फाइव प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, तो वी सिक्स अपॉन वी फाइव। अभी तक आपने पढ़े भी सब यही है, बस सब्लिमेशन नहीं है बस यहां पर, बाकी यही सब आपने पढ़ा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बना लो, लिख लो आराम से, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो बढ़िया है, दो तीन बच्चे इधर बैठ जाते हैं तो लगता है हाँ इधर पे बैठा हुआ है, बड़ा ही वीरान सा लगता है वरना। आपका जन्म ही इस दुनिया में इसलिए हुआ है कि आप जो है तन्हाइयों को दूर करें, लोगों की वीरानियत को दूर करें, आपके आने से क्लास बाग बाग हो जाती। आप सभी के आने से क्लास बाग बाग है, क्यों भाई? माली हम रहे ना, देखें आगे। चले ये कौन है टाइगर, देख लो यार टाइगर भी आते। देखो इधर, इधर देखो, देखो अभी आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, डेल्टा एस कर रहे हो ना बार बार, डेल्टा एस के कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं हम। अब क्या हुआ, किसी को इच्छा हुई कि डेल्टा एस तो कैलकुलेट हो रहा है, किसी ने बोला कि नहीं पहले ही करिए कैलकुलेट, हम तो किसी टी केल्विन पे एंट्रोपी की कैलकुलेशंस करने की कोशिश करें, किसी टी केल्विन पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी देखी जाएगी क्या होता है। तो अब टी केल्विन पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी देखनी है, अब इसने बोला तो देखनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम कुछ सोचते हैं जो हम सोच पाते हैं। तो आप जानते हो गैस होती है, एक गैस, गैस होती है ये रही गैस। अब गैस के रेस्पेक्ट में लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है, कम की ज्यादा? अरे गैस के रेस्पेक्ट में लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है, कम की ज्यादा? भाई गैस ज्यादा डिसऑर्डरनेस कि लिक्विड ज्यादा करता है, गैस ही करती है, बोलो बोलो। तो इन दोनों में एंट्रोपी किसकी ज्यादा है, गैस की। अब वही गैस अगर सॉलिडिफाई, वही लिक्विड अगर सॉलिड बन जाए
तो एंट्रोपी और क्या हो जाएगी, कम होगी नहीं होगी। तो इन सब में अगर आप एंट्रोपी का ऑर्डर देखोगे तो उससे ज्यादा किसमें है, गैस में, फिर किसमें लिक्विड में, और सॉलिड में क्या हो गई, और भी कम। बोलो बोलो, अरे छोड़ो ना, थोड़ा सा आधा हो जाएगा, पता नहीं कोई समझाओ। अब देखो, नहीं समझना, अब सॉलिड तक आ गया आप, इधर से उधर करते खा जा रहे हो सॉलिड। अब सॉलिड किसी टी केल्विन पे बैठा हुआ होगा, अब मैं इसका टेम्परेचर कम करता जाऊं, टेम्परेचर कम करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, ऐसे करते 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 उसकी एंट्रोपी कम होगी कि बढ़ेगी, कम होती जाएगी। बोलो बोलो, तो ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा करते 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 हम कहां पहुंच गए, जीरो केल्विन। सपोज पहुंच जाए तो ऐसा करते करते हम कहां पहुंच जाए, जीरो केल्विन। तो ये एंट्रोपी जो कम होते 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 पता नहीं कहां तक जाएगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जीरो केल्विन पे जो एंट्रोपी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। हम ऐसा रेफरेंस क्या लेके चल रहे हैं कि आप धीरे धीरे एंट्रोपी टेम्परेचर जो कम करते जाओ और करते करते कहां पहुंच जाओ, जीरो केल्विन। तो जीरो केल्विन के ऊपर एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब ऐसा करने से क्या फायदा मिला, ऐसा करने से ये फायदा मिला कि आपने डेल्टा एस कैलकुलेट किया, या आपसे पूछा गया किसी टी केल्विन पे एंट्रोपी बताइए कितना होगा, किसी की सब्सटेंस का आपसे बोला गया कि टी केल्विन पे एंट्रोपी बताइए कितना हो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, टी केल्विन पे निकालने के लिए मैं सिर्फ डेल्टा एस कैलकुलेट करूंगा। तो डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं डेल्टा एस कैलकुलेट करूंगा एंट्रोपी एट टी केल्विन माइनस एंट्रोपी एट जीरो केल्विन। अब एंट्रोपी एट जीरो केल्विन क्या होता है, जीरो। तो जो डेल्टा एस निकल के आएगा वही किसके निकल जाएगा, एंट्रोपी एट टी केल्विन। बोलो बोलो, तो जीरो केल्विन पे एंट्रोपी हमने क्या ले ली, जीरो। क्यों ले जीरो ले ली, क्योंकि धीरे 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 सब्सटेंस जो होगा, जो डिसऑर्डरनेस होगा वो तो क्या हो जाएगा, कम। एनर्जी का टर्म क्या होता जाएगा, धीरे 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 कम। अब जीरो केल्विन तो अचीवेबल तो नहीं है, बट ऐसा हम सोचते हुए चल रहे हैं कि अगर जीरो केल्विन होता तो उस केस में एंट्रोपी क्या हो सकती है वहां पर, जीरो। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अमोर्फस भी सॉलिड्स होते हैं, तो ये भी किसके लिए हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, जिसमें चीजें क्या है बिल्कुल सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन, अगर आपको चीजें जो सिस्टमेटिक अरेंज नहीं दिखाई देगी तो रेंडमनेस आ जाएगी ना, उसी को तो रेंडमनेस बोलेंगे। तो अगर रेगुलरिटीज नहीं है, रेगुलरिटी आगे उसका मतलब क्या हो गया, रेंडमनेस। तो एंट्रोपी को जीरो कैसे बोलोगे, तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए एंट्रोपी एट जीरो केल्विन क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है, उनके लिए एट जीरो केल्विन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, जीरो। अमोर्फस के लिए नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर जो होगी जब जीरो केल्विन पाएगा वो तो चीजें रेंडमली अरेंज रहेगी, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि हमें किसी एंट्रोपी को निकालना है टी केल्विन पे किसी सब्सटेंस की, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक चेंज निकाल लूंगा, किसके लिए भाई, टी और जीरो के लिए। ये मैं करूंगा क्या, अब कैसे करूंगा इस काम को, सपोज मेरे को यहाँ पर H2O के लिए, सॉलिड के लिए किसी थ्री या सपोज मेरे को करना है यहाँ पर सिर्फ H2O लिखा हुआ है, और मेरे से बोला गया कि 573 केल्विन पे इसका एंट्रोपी बताइए कितना होगा, 573 केल्विन पे इसका एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, एंट्रोपी एट 573 केल्विन माइनस एंट्रोपी एट जीरो केल्विन, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन 73 से लेके जीरो के बीच में चीजें बहुत सारी आएगी, आएगी नहीं आएगी, जीरो केल्विन से लेकर के 573 केल्विन तक जब हम पहुंचेंगे तो उस केस को हम बोल रहे हैं क्या, एंट्रोपी चेंज, और वो वैल्यू किसके इक्वल है, इसके। तो मुझे ये तो निकालना ही पड़ेगा, तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा हर एक सब्सटेंस की, तो मैं करूंगा सॉलिड से, कितने केल्विन टेम्परेचर पे, जीरो पे। बोलो बोलो, अब जीरो से मैं कहां तक चलूं, सबसे पहले कहां तक चलूं, याद करो अभी अभी सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ता है 2 पॉइंट तक आने तक वो सब्सटेंस क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो वो सॉलिड कहां तक रहेगा, 273 केल्विन पर। बोलो, अब ये नहीं होगा तो तुम्हें ये सब मेंशन किया हुआ रहेगा,
कि किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। लेकिन ये आपका धर्म है कि आपको वहां समझना पड़ेगा कि अगर ये सॉलिड है तो मैं कहां से कहां तक जाऊंगा, 0 से लेके 273 केल्विन तक। बात समझ रहे हो, कहां तक जाएंगे, H2O सॉलिड ही रहेगा, कहां तक, 273 केल्विन तक। तो इस केस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा बताओ, बोलो फॉर्मूला क्या लगाए, एनसी मोलर एलएन T2/T1 लगा सकते हो, बोल बोलो लगा सकते हैं ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे कहां से, 273 से आगे, H2O क्या बना देंगे हम, इसको सॉलिड से अब क्या बना देंगे, लिक्विड। लेकिन किस पे रहेंगे अभी भी, 273 पे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। अब यहां पर क्या लगेगा, फेस ट्रांजिशन लगेगा, तो यहां पर क्या जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन आएगा। फिर आगे चलोगे तो अब क्या करोगे आप, हीटिंग करोगे। अब इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओ तो लिक्विड 273 से कहां पहुंच जाएगा, 373 पे पहुंच जाएगा। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे जो आप लगाते हो लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर कहां पहुंचेंगे, H2O गैस कितने पे, 373 पे। फिर ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल फेस ट्रांजिशन फिर से होगा। फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे अब फाइनली, और कहां पहुंच जाएंगे, H2O गैस पे कितने पे, 573 केल्विन पे। समझ लो, तो ये जो नेट चेंज आएगा इन सब का सम, ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एंट्रोपी एट 573 केल्विन। बात समझ आ रही है, बोलो ठीक है। और अभी यहां पर हमने लिखा था T2/T1, उसमें टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन। अभी इसको भी डिस्कशन करते हैं, बाकी इतना क्लियर है। तो थर्ड लो ही है ये, क्या कि थर्ड लो ये बोलता है कि कभी भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो एंट्रोपीज की, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह। और थर्ड लो ये बोलता है कि किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए एंट्रोपी एट 0 केल्विन क्या हो जाएगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लो वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपीज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसका जो मेन पार्ट है वो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, उसको देखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा 1.5 लेक्चर लेगा, फिर खत्म चलते। अब यहां पर एक बात, आप एक बात और करेंगे इसके ऊपर आगे चल के भी, और चलो फिर आगे करेंगे उसको, है ना। अब आपके नेक्स्ट टेस्ट में क्या आ रहा है, 11th का टॉपिक मोल पे आ गई गाड़ी वापस, मोल आ रहा है क्या, केमिकल इक्विवेलेंट नहीं आ रहा, वो भी आ रहा है। अच्छा अभी तो एसीटी है, एसीटी के हिसाब से बोल रहे हो कि नेक्स्ट टेस्ट के हिसाब से बोल रहे हो, एसीटी के हिसाब से बोल रहे हो। एसीटी में क्या आ रहा है, मोल कंसेप्ट और लिक्विड सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। तो अब इसके अकॉर्डिंग चले या उसके अकॉर्डिंग चले, इसके अकॉर्डिंग कि सर पहले इन तीनों का रिवीजन करा दीजिए, इन तीनों का रिवीजन करा दीजिए पहले, उसके अकॉर्डिंग कराइए सर, ये तो होता जाएगा, देखा रहेगा। ये तो थोड़ा सा 19-20 सा हो गया, फिर क्या करें आप बताओ। दोनों, अब क्लास तो 3 आती है, रेगुलर थोड़ी ना आती है। तुम किसको पढ़ रहे हो अभी, पहले एसीटी को है, तो फिर एसीटी में चलो ठीक है, मोल पढ़ के आना, है ना, मोल का आपको रिवीजन करा देंगे। वो रिवीजन में 3/4 की बात कर रहा हूँ वाले, ठीक है ना, ठीक है, कोशिश करेंगे। तो 5-1 मिनट ऊपर नीचे जैसे भी है, तो आप कोशिश करना कि 2:10 पे सब आ जाओ, 2:10 पे सब आ जाओगे तो 5 मिनट में सब बैठ जाएंगे अच्छे से, जैसे भी है तो 2:15 पे नेट क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना। नहीं फिर ये ऑनलाइन में एक्सटेंड करानी पड़ेगी ना, तो ऑनलाइन में जो बैठते हैं फिर वो कैसे आएंगे 2:15 से पहले।
चलिए, तो अब आप क्वेश्चंस में कुछ करना चाहें अगर, तो हमने रेस शीट में कुछ किया नहीं ना अभी, है ना, तो होमवर्क ले लो आप। तो है ना, ओवन में और S1 में, पहले S1 में दे देते हैं। S1 में आप करें, S1 में आप जो है कहाँ तक कर सकते हैं, 12 तक कर सकते हो, 13 तक भी कर सकते हो वैसे तो। S1 में आप करिए टिल 12 कर लो, ठीक है, टिल 12 तक कर लो, और ओवन में है, ओवन में टिल 12 कर लो, ओवन में S1 दोनों में 12 12 तक कर लो, ठीक है ना। और कितने हो गए, 8 और 8 16 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, पहले वाले तो हो गए ना वो तो। चलो तो फिर और दे दो, ढूंढने पड़ेंगे बस। O2 में जो है, O2 में कर लीजिए फिर कुछ क्वेश्चन, अभी O2 का 1 तो मैं ही करा देता, देख लेना। O2 में आप करिए सेकंड क्वेश्चन, O2 का सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, और 13, 14, 15, नहीं 15 रहने दो, 15 रहने दो, एक ये 23, 24, 23, ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, है ना। कितने हो गए, 24 नहीं होंगे यार, हो गए क्या, 25 से ज्यादा होने चाहिए बस। चलो ओके, बाय, थैंक यू, बी हैप्पी, है ना। अभी बाहर पूछ, इनको फ्री कर देते हैं।